मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज मैं आई हूँ अपनी गौशाला में और यहाँ पे है बड़ी वाली जी, मेरे को दे रही है जीरा और आपको दिखाती हूँ हमारी गौशाला की क्या हाल हो रखे हैं। ये है गौशाला और इसकी बहुत बुरे हाल हो रखे है। इसको ठीक करना, अभी तो धूप आएगी तो इसको ठीक करेंगे। और इधर कुछ भी नहीं है, इधर बंद पड़ा है क्योंकि ये टूटने वाला है, तो कुछ भी नहीं रखा है। तो ये बगल पे है दीदी लोगों की गौशाला, इसमें जी निकाल रही थी गोबर। और ये है बांझ जी लाई बांझ, ये जंदुवाल हम। और ये है गौशाला, यहाँ रहती है गाय। तो ये हो गई है साफ सुथरी, देखो जानवरों के लिए भी कितना साफ सुथरा रखा रहता है, एकदम साफ। अब वो आएंगे जंगल से, उधर पानी का पतीला रखा है, पानी पियेंगे। तो चलो आज हम लोग जा रहे हैं जंगल, आप लोगों को जंगल भी दिखाते हैं। हिमालय कितना पास दिखता है और कितना सुंदर दिखता है। तो ये देवभूमि है, इसीलिए इसको स्वर्ग भी कहते हैं, बहुत प्यारा व्यू है। चलो चलते हम लोग जंगल की तरफ। और ये रही मेरी रस्सी, इसको बोलते हैं चूड़ा। दराती जी लेके आ रही है और एक पानी की बोतल। तो मिलते हैं आप लोगों से जैसे ही जंगल की तरफ रास्ते में, तो रास्ता दिखाएंगे आपको कैसा कैसा है। तो चलो मिलते हैं। तो आगे ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। तो पहुंच गए हम रास्ते में और ये ऊपर रास्ता है और यहाँ ऊपर जंगल में पता नहीं किधर जाना है हमको। अभी नीचे गाँव दिखाती हूँ, यहाँ से गाँव और यहाँ पर स्कूल भी है। तो अभी प्रेयर चल रही है और ये आ रहे हैं साथी लोग, इनके साथ हमें जाना है। और हम यहीं पे आके थक गए हैं, तो ऊपर जाते जाते तो पता नहीं क्या होगा। तो ये है दीदी और वो पीछे दीदी के साथ, मतलब हमारी बड़ी सास है। और वो पीछे कोई मतलब इधर ही गांव के, तो वो चिढ़ा रहे थे, बोला इनके साथ इनका फ़ोटो खींच दो, जी को बोल रहे थे। तो उनका वीडियो बनाया, बोला यादगार पल रहते हैं। तो देखो कितने हंसी खुशी लोग अपना काम करते हैं, तो हंसी खुशी सब अपना काम भी करते हैं। तो वो तो ये रास्ता है, यहाँ से हमको ऊपर जाना और अभी तो काफी दूर जाना। और ये आसपास खेत है और ये पास में किसी की गौशाला भी है और वहाँ पे जानवर बने हुए हैं। मेरे हाथ में रोल जाओ छुटुल जुड़ तो यहाँ पे है चढ़ाई और ये रास्ता और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए ये पूरा दल। और ये रही मेरी जी और हम सबसे पीछे। तो पहाड़ों की लाइफ में संघर्ष बहुत है, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ये है हमारी प्रॉपर्टी, ये भैया सुंगरों का मैं खाने वाल। तो ये हमारी पहाड़ों की प्रॉपर्टी और ये देखो जंगली जानवर ने कैसे उधेड़ रखा है, यहाँ पे आना बंद हो गया है। यहाँ पे पहले दो भैंस रहती थी हमारी, ये देखो ये उनका बांधने का किलड़ा बोलते हैं इसको, लकड़ी का होता है और इस पर रस्सी लगाते, एक ये है और एक ये।
और ये है अखरोट का पेड़, ये वाला। और इधर ये बगीचा है और ये गेट है हमारा, देखो पहाड़ी गेट। अब ये आगे चल के आपको छप्पर बोलते हैं, छप्पर जानवर रहते हैं यहाँ हमारे पालतू, गाय भैंस बैल रहते थे पहले, मेरे आने से सब बंद हो गया है। इधर पेड़ भी है, संतरे नींबू ये सारा। गांव में नहीं है बगीचे वगैरह, पहले इधर ही करते थे, और इधर ही मूली मिर्ची वगैरह होती थी, अभी यहाँ आते नहीं हैं। और जानवर भी नहीं रखा है कुछ, गाय भैंस तो, ये भी बगीचा हुआ करता है था, अभी देखो इधर पूरा बंद हो गया है तो कैसा हो गया है। और ये पूरा ये भी गिर गया है। और ये है बिच्छू घास, जहाँ बंद पड़ जाते हैं पहाड़ों में वहाँ यही उग जाती है, और यहाँ भैंस रहती थी, अभी इधर पूरा गिर गया है। और ये भैंस को बांधने का, और इधर बारिश में हम लोग रहते थे, मतलब मेरे सास ससुर लोग, जब बारिश आती थी तो उनका यहाँ पे अपना खाने पीने के लिए, जब नीचे जाने का टाइम नहीं होता था तो वो लोग पूरे पूरे दिन इधर ही रहते थे। और ये है हमारी बड़ी सास लोगों का ये वाला हिस्सा, और ये भी उनका है, और ये पूरा बगीचा ही रहता है। इधर मिर्ची वगैरह लगाते हैं, अच्छी मिर्ची होती है। और नीचे संतरे के पेड़ है और नींबू का पेड़ है, नींबू तो है नहीं उस पर, एक दो दिख रहे हैं तो वो हम लेके जाएंगे। बाकी एक संतरे का पेड़ ये है, ये भी सूख गया है। और आगे भीमल, और दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या है। ये जो बड़ा वाला है जिसपे अभी नई नई पत्तियाँ आए हैं, इसको गढ़वाल में मोलियार बोलते हैं, तो जिस पे मोलियार आ रखी है वो खड़ी बोलते हैं इसको, ये चारे के लिए होता है सब। और बाकी ये बांझ के पेड़ है, तो ये बांझ घास के लिए भी होता है और इसकी लकड़ी जलाने के लिए भी अच्छी होती है। और उसके बीच में एक अखरोट का पेड़ उधर भी है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है इधर साइड, गाँव से ज़्यादा इधर ही है। लेकिन इधर जंगली जानवर जैसे रिख वगैरह, भालू बोलते हैं, रिख भालू को इधर रिख बोलते हैं, तो उसका भी डर रहता है, तो आना अकेला पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग मेरे साथ आए थे वो इधर जंगलों में चले गए हैं, उधर जी खड़ी हो रखी है, अपनी टेरिटरी को देख रहे हैं कैसा लग रहा है। और इधर आगे भी है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, बहुत सारा इधर। और इधर अब मिर्ची के पेड़ लगेंगे, हल लगवाएंगे इधर, तो हम लोग मिर्ची के पेड़ लगाएंगे तो मिर्ची होगी इधर, क्योंकि इतना बड़ा खुद से कुदाल से पॉसिबल नहीं होता है पूरा खोदना, तो हल लगवाना पड़ेगा। और इधर भी, इधर तो रहते हैं अभी इन बड़ी जी लोगों के बैल वगैरह आते हैं अभी गर्मियों में इधर, क्योंकि ठंडा है, तो अभी इधर भी बंद पड़ा है लेकिन अभी आएंगे। और ये अखरोट के पेड़ है हमारे, एक ये है और एक वो है, तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है इधर, जिसको चाहिए होगी बता देना। हम लोग बेच रहे हैं, देखो गेट भी लगे हुए हैं इधर। आगे भी दिखाती हूँ मैं आपको बहुत सारा इधर, ये सारा मैं कैप्चर इसलिए कर रही हूँ ना कि आगे चल के अगर हम लोग भूल भी जाएंगे तो वीडियो के माध्यम से हमको याद रहेगा कौन सा हिस्सा हमारा है, कौन सा किसी और का, क्योंकि हम लोग कम गाँव में रहते हैं और कम आते हैं, तो वीडियो में याद रह जाता। तो ये भी अखरोट का पेड़ है, बहुत सारे अखरोट खाए हैं हमने इस पेड़ से, मेरी सास जाती है इसके टहनियों में। और भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये सारा पहले चालू रहता था लेकिन अभी बंजर हो गया, क्योंकि हम जैसे बहू में आ गई है ना, तो हम लोगों की वजह से ये बंजर पड़ गए, हम लोग रहते ही नहीं हैं गाँव में। ये भी अखरोट का पेड़ है और वो भी अखरोट का पेड़ है, अखरोट गढ़वाली में अखरोट और हिंदी में अखरोट। और उधर जो बांझ के पेड़ दिख रहे हैं वो भी हमारे हैं, ये बीच में छोड़ के, ये भी हमारा है, आधा ताऊजी लोगों का है। तो इधर भी नीचे पूरा जंगल है, तो आप लोगों को आज मैंने पूरा घुमा दिया है किधर किधर है, इधर क्या क्या है। तो ये घास होती है, अभी ये जो सूखी हुई है ये भी घास है, तो ये जानवरों के लिए जाती है और इधर पूरी उगती है। और ये है जंगल, इधर से
इधर घास भी है, तो अभी हमने ये घास भी काटना है जो घास इधर दिख रहा है, और लकड़ियाँ बनानी हैं। तो काफल का पेड़ भी दिखाती हूँ मैं आपको, इधर काफल का पेड़ भी दिख रहा है एक। तो ये काफल का पेड़ है लेकिन इस पे काफल आए नहीं है, शायद छोटा है अभी इसीलिए। और इधर एक तेज पत्ते का पेड़ भी है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। पहाड़ों में जड़ी बूटी मसाले वाली चीज़ें आसानी से मिल जाती है। तो इधर है तेज पत्ते का पेड़, और मैं ऐसे घुस रही हूँ जैसे शहर में हूँ, मेरे को आइडिया नहीं है। तो बाघ और भालू इधर मिल सकता है आसानी से, मैं तो बिना देखे जा रही हूँ। तो चलो डर भी लग रहा है, तो मैं जाती हूँ जी के पास। देखो अभी कितना सुंदर लग रहा है, और इधर जी भी आ गए हैं, और उड़ा ऊपर बेनीताल। तो उधर पूरा बर्फ़ गिरता है, और जहाँ भी बर्फ़ गिरते हैं वहाँ ऐसा ही एरिया होता है। और जो साथी लोग हैं वो लोग जा रखे पता नहीं इधर किधर, वहाँ एक सब्जी होती है, अगर वो लोग लाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, और नहीं लाएंगे तो फिर ऐसे ही चले जाएंगे। तो चलो हम लकड़ी बनाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो देखो ये घास है, इसको काटेंगे और इसको रखेंगे गौशाला के ऊपर, तो जो पानी आ रहा है ना वो पानी थोड़ा इससे रुक जाएगा। तो जी बना रही लकड़ी और मेरे को बोला है ये काटने को, तो मैं ये अच्छा अच्छा चुन चुन के काटूंगी जो काम का होगा। तो चलो इसको काट के दिखाते हैं, ऐसे बनता है ये काट के ऐसे, और इसको ऐसे ही गौशाला के ऊपर रख देंगे। तो ये पानी से बचाव करता है, इसको बोलते हैं खौड़, बोलते इधर खौड़ मतलब कूड़ा, तो ये कूड़ा भी इधर काम आता है। तो चलो काट के दिखाती हूँ आपको। तो ये घास काट चुका है और वहाँ पे लकड़ियाँ भी काट दी, दिखाती हूँ मैं आपको, मुझे थकान लग गई तुम्हें। देखो ऐसे बनाते हैं इसकी पुली, और ये लकड़ियाँ काट दी है लेकिन ये बहुत मोटी हो गई है, ये कट नहीं पा रही है अभी, तो इनको ऐसे ही देंगे। ये घास बांध हो गया और ये लकड़ियाँ हैं, और अभी लगाएंगे इनकी भारी और फिर चलते हैं घर को। तो ये लग गई है हमारी भारी, पीछे से लकड़ी आगे से थोड़ी सी घास है, ये मेरी भारी है और ये जी की भारी है। जी ने लगा रखे मोटे मोटे, भारी होंगे अब, और ऐसे रखते हैं दराती को पीछे, और अब उठाते हैं हम इनको, फिर दिखाते हैं आपको भारी। तो आ गए हम यहाँ से, और यहाँ हमको जाना है, तो रास्ता मैंने आपको पहले दिखा दिया है। अब घर को चलते हैं, और ये है मेरी भारी, लकड़ी भी हो गई है, और अब घर जाएंगे, घर जाके खाना वाना बनाना है। तो ऐसा करती हूँ ब्लॉग आज का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।